केंद्र सरकार की नीतियों से नाखुश देश के कोने कोने से लाखों किसानों और मजदूरों का दिल्ली में संसद मार्ग पर मार्च, सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने असम में नागरिकता के दावे के लिए एनआरसी प्रक्रिया को अनिश्चितकाल के लिए टाला, एनआरसी लिस्ट की प्रमाणिकता की जांच करेगा कोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखर विरोधी और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट गिरफ्तार, सीआईडी ने 22 साल पुराने पालनपुर ड्रग प्लांटिंग केस में कार्रवाई की। राफेल डील पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार, अगले हफ्ते सुनवाई होगी। 2007 के अजमेर धमाके में उम्र कैद की सजा पाए भावेश पटेल के गुजरात के भरूच पहुंचने पर बीजेपी वीएचपी नेताओं ने फूल बरसाए, अपराधी के सम्मान पर विपक्ष ने सवाल उठाए। यूआईडीएआई ने कहा आधार नहीं होने पर स्कूल बच्चों का एडमिशन लेने से इनकार नहीं कर सकते। नागालैंड में भीषण बाढ़ के चलते 3 जिलों से संपर्क टूटा, अब तक 12 लोगों की मौत, यूपी में सभी जिले 6 सितंबर तक हाई अलर्ट पर। जापान में 25 साल का सबसे ताकतवर तूफान टाइफून जेबी आया, अब तक 10 की मौत, कई घायल। और राफेल नडाल अमेरिकी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे, क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थाइम को हराया।